होली आने वाली है और उस होली पर आप रंग गुलाल अबीर खरीदने मार्केट जा रहे हैं, और अगर आपको ये डर सता रहा है कि कहीं इन केमिकल वाले रंग से, गुलाल से, अबीर से स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है, तो घबराने का नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप किचन में मौजूद चीज़ों से ही बढ़िया शानदार केमिकल फ्री कलर बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए होगा चुकंदर, हल्दी और कुछ फूल। तो नारंगी कलर होली पे बहुत बढ़िया प्यारा कलर लगता है, तो इसे आप टेसू यानी पलाश के फूलों से आप नारंगी रंग बना सकते हैं। इसे करना क्या होगा कि कुछ फूलों को लेकर आपको रात भर पानी में भिगोकर रखना है। आप चाहें तो इन्हें उबाल भी सकते हैं, उबाल कर भी आप ये रंग बना सकते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी टेसू के फूलों से होली खेलते थे। टेसू के फूलों के रंग को होली का पारंपरिक रंग भी माना जाता है। संतरी रंग कैसे बनाएं? केसर के कुछ धागों से संतरी रंग बनाया जा सकता है। केसर के इन धागों को 2 चम्मच पानी में मसल कर कुछ घंटे के लिए रख दें। इसके बाद पेस्ट को ताजे पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। हल्दी को पानी में मिलाकर भी ऐसा रंग तैयार किया जा सकता है, तो इससे बहुत शानदार संतरी रंग तैयार होगा। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से तय कर लें। अगर ज़्यादा रंग बनाना है तो ज़्यादा मात्रा में केसर का इस्तेमाल करें। अगर आपको होली पर नीला रंग बहुत पसंद आता है, इसकी अबीर बहुत पसंद आती है, तो आप जकरंदा के फूलों से नीला हर्बल अबीर बना सकते हैं। इसके लिए जकरंदा के नीले फूलों को सुखा लीजिए और फिर इन्हें पीसकर अरारोट या आटे के साथ मिलाकर बढ़िया नीला हर्बल गुलाल बना सकते हैं। होली के लिए काला या जामुनी रंग बनाने का तरीका बहुत आसान है। काले अंगूर के जूस को पानी में मिलाएं, इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर ऐसा रंग तैयार किया जा सकता है। होली के लिए जामुनी रंग बनाना है तो चुकंदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर जहां खाने में टेस्टी और हेल्दी होता है, वहीं इससे बढ़िया जामुनी कलर भी बन सकता है। करना क्या है कि 1 किलो चुकंदर को कद्दूकस करके 1 लीटर पानी में रात भर छोड़ देना है। इसके बाद सुबह इसे छान लें या मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर बढ़िया गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे पानी के साथ मिलाकर बढ़िया जामुनी रंग तैयार कर लें। हरा रंग। पौधों से गहरा रंग बनाना बेहद आसान है। सूखी मेहंदी चेहरे पर रंग नहीं छोड़ती है। हिना से बना गुलाल बालों में कंडीशनर का काम करता है, जिससे होली खेलने के बाद ऐसा रंग छुड़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। गेहूं के पौधे, पुदीना, धनिया या पालक की पत्तियों से हरा रंग बनाया जा सकता है। इन चीज़ों को पानी में कुछ देर तक उबालना होता है। हरा रंग बनाने का एक और तरीका है नीम की पत्तियाँ। इसे पीस कर पेस्ट बना लें और ये पेस्ट चेहरे और त्वचा के लिए बढ़िया हो सकता है। नीम एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक होने के कारण स्किन के लिए फायदेमंद है। होली पर पीला रंग बहुत पसंद किया जाता है, तो यह पीला रंग आप घर में किचन में मौजूद हल्दी से बना सकते हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। पीला रंग तैयार करने के लिए हल्दी को जौ या मक्के के आटे में मिलाकर पेस्ट बना सकते हैं। केसरिया रंग बनाना बहुत आसान है। केसरिया रंग बनाने के लिए आप गेंदे के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 100 से 200 ग्राम गेंदे के फूल को सुखा लें और 1 बाल्टी पानी में उबालकर या वैसे ही भिगोकर रात भर रखें। सुबह इसे बड़े बर्तन में छान लें, बाल्टी भर गाढ़ा केसरिया रंग तैयार हो जाएगा। इसे ऐसे ही या पतला करके प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुल्तानी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी बहुत चिकनी होती है और एक तरह से हल्का पीला कलर होता है। ये भी बहुत बढ़िया फेस पैक की तरह काम करता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप घर पर मौजूद चीज़ों से ही बढ़िया गुलाल या अबीर या कलर तैयार कर सकते हैं। इन गुलाल, अबीर या कलर से स्किन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आंखों में जलन भी नहीं होगी। आप सभी को रंगों का त्यौहार मुबारक हो। हैप्पी होली।